तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल ट्रैवल यूनिवर्स में। और आज मैं आया हूँ फिर से राजकोट जंक्शन। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ हापा बिलासपुर जो ट्रेन चलती है वो आज आ रही है आईसीएफ में नहीं एलएचबी कोच में। तो आज ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो आपको दिखाने की बारी है। तो इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये ट्रेन हापा से निकलती है हर सैटरडे को रात को 10 बजे और राजकोट पे ये ट्रेन आती है रात को 11:15 बजे। और अगर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 1700 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है ये। और हापा से ये ट्रेन निकलती है रात को 10 बजे और यहाँ पे आती है 11:15 बजे। तो ये ट्रेन बिलासपुर पहुँचती है दूसरे दिन रात को 3 बजे। तो देखिए ये जो इनॉग्रल इसका होने वाला था वो मैं आपको हापा से दिखाने वाला था लेकिन थोड़ा टाइमिंग की इश्यूज़ की वजह से ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो गया, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन सागर भाई जो है वो गए हैं आपा, वो उनके व्लॉग में दिखाने वाले हैं जो भी इनॉग्रल वहाँ पे हुआ और जर्नी भी आई थिंक दिखाने वाले हैं। तो मैं उनको तो वहाँ अभी रिसीव करूँगा जब ट्रेन आएगी तब। तो चलिए अब सीधा चलते हैं हम हमारी ट्रेन की ओर। तो ये आ गई है अपनी आपा बिलासपुर, कौन सा है वडोदरा का वेब 7 लेके आई है। देख सकते हैं नए LHB कोच SLR आप देख सकते हैं आपा बिलासपुर। और हम ढूंढेंगे हमारे सागर भाई को। आप देखिए भीड़ आप देख सकते हैं, जनरल कोच इसमें है 3। तो सागर भाई मिल चुके हैं हमें, ये आप देख सकते हैं 2 यूट्यूबर यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये है अपना ये जनरल क्लास, ये आप देखिए कितनी भीड़ है। तो राजकोट से रवाना हो रही है, अभी डिपार्चर हो रहा है आप देख सकते हैं बिलासपुर का। देखिए अपना मेंटो और नए कोचिस। जनरल में आप भीड़ देख सकते हैं, 3 जनरल कोच ऐड किए, ये बहुत अच्छी बात है। ये आप देख सकते हैं स्लीपर कोचेस। आज तो पैसेंजर भी खुश हो रहे होंगे क्योंकि LHB ये ना गलती हो जाती है कई बार नर्वसनेस में ना। मैं आपको देखो एक दोस्त से मिला था, वो अपने ये हर बार देखो वीडियो बनाने नहीं देता है, इसकी वजह से कभी कभी गलतियां हो जाती है हमारी। और नए कोच आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू होते हैं हमारे। ओ वाह, ऐसी इकोनॉमी कोच आप देख सकते हैं, नए जितने भी LHB कोच जितने भी लग रहे हैं ना इसमें ऐसी इकोनॉमी भी दिए हुए। ये देखो दूसरा कोच गया है, ये देखिए तीसरा भी। आपको अगर ना बताओ तो बता दूँ, 3rd AC का जो किराया है उससे थोड़ा कम रहता है इसका किराया, लेकिन फैसिलिटीज़ आपको वही मिलती है। देखिए जब डिटेल में वीडियो बनेगी तब तो आपको सब कुछ दिखाया जाएगा, अभी तो इतने से देख सकते हैं आप। 6ठा कोच है आई थिंक, ये अपना 2 टायर AC। एक और 2 टायर थिंक इसमें पिंट्री कार नहीं है। ये है अपना 1st AC, इसमें भी जर्नी अगर करवानी हो तो आ जाएगी आप लोगों के लिए। ये देखिए अपना फिर से जनरल कोच, एक और जनरल कोच। ये देखिए आज थोड़ा आपको खाली दिख रहा होगा लेकिन आके सब कुछ भरा हुआ था। मैं देखा ये अपने ट्रेन मैनेजर साहब, और ये थोड़ा
ऑफ बाय बाय। आप डेकोरेशन थोड़ा देख सकते। तो सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए। इतनी जो मेहनत करते हैं उसका कुछ फल आप लोग दीजिए। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।